नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में 4 गिरफ्तारियां इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा कर ली गई हैं, लेकिन आपको हम बताएं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक 2-4 दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं इस खेल में कि वो कैसे क्वेश्चन को जो आउट कराते हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि बीपीएससी के कर्मचारी या अधिकारी की इसमें संलिप्तता न हो। उनका साफ कहना है, हालांकि उन्होंने ये जो है एक आशंका व्यक्त किया है और उनका विश्वास है कि आयोग के कर्मचारी या अधिकारी इसमें जरूर शामिल रहे होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा। और यही कारण है कि आपको बताएं कि 100 जो कर्मचारी हैं जो कि जुड़े हुए थे इस परीक्षा से, उनके सभी कॉन्टैक्ट, फोन नंबर, सब कुछ जो है वो अभी रडार पे रखा गया है। यानी कहने का मतलब है कि दो एंगल पर जांच हो रही है। एक एंगल ये है कि आरा में जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज में क्वेश्चन वहाँ पर जो परीक्षा के दौरान जो है अफरा तफरी मची और छात्रों का आरोप रहा और वीडियो भी आया कि कैसे कॉलेज के बाकी छात्रों को 12:30 बजे तक न मार दिया गया, न क्वेश्चन दिया गया। वही प्रिंसिपल के बगल के रूम में, एक रूम में जो है वो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो एग्जाम भी दे रहे थे। ऐसे में वहाँ से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि क्वेश्चन का सेट जो है उससे पहले वायरल हो चुका था, और सबसे बड़ी बात 10:34 पर क्वेश्चन के फोटो लिए गए थे, ऐसा जो है विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कहा जा रहा है। ऐसे में परीक्षा कितना भी शुरू हुआ होगा तो वो 11:30 बजे से शुरू हुआ होगा, और पहले भी सेटिंग किया गया होगा तो 11:30 बजे तक शुरू हुआ होगा। ऐसे में 10:34 में क्वेश्चन पेपर किसने वायरल किया, यही जो है पता लगाने में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट लगी हुई है। और इसके दौरान ये भी लगाया गया है कि क्या ये सुनियोजित साजिश के तहत ये फोटो लिए गए और इसे भेजे गए, क्या इसको लेकर ट्रांजैक्शन भी किया गया है, पैसे का भी लेन देन किया गया है, इसके भी सबूत जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो आर्थिक अपराध इकाई के ADG हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे। हालांकि आपको बताएं कि लोगों में ये बात आम हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि बलि का बकरा बनाया जाए, और बलि के बकरा के लिए 4 लोग मिल भी गए हैं। लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं अभी, उसके मुताबिक अभी बीपीएससी के अंदर भी बहुत कुछ होना बाकी है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बीपीएससी के अंदर के कर्मचारी या अधिकारियों के मिली भगत के बिना ये क्वेश्चन आउट करना नामुमकिन है, क्योंकि आज तक बीपीएससी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। काफ़ी गोपनीयता बरती जाती है, हर एक चीज़ को क्रॉस चेक किया जाता है और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि कोई चाह कर भी क्वेश्चन को आउट ना कर सके। तो आपको बताएं कि पुलिस जो है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है, उसने अपने सबसे दमदार ऑफिसरों की टीम जो है इस कार्य में लगाया है, और संभावनाएँ हैं कि बहुत जल्द जो है वो पर्दाफाश करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि 2 स्तरों पर इसमें गड़बड़ी हुई है। हालांकि आपको बताएं कि बहुत सारी जगहों से खबरें मिल रही हैं कि बहुत जगह एग्जामिनेशन में जो OMR सीट है, क्वेश्चन पेपर देने में देरी हुई, एक ही सेंटर पर कहीं पहले दे कर एग्जाम शुरू हो गया तो किसी रूम में बाद में शुरू हुआ। हालांकि ये हो सकता है कि समय की देरी हो गई हो या फिर अरेंजमेंट करने में देरी हो गई हो, लेकिन आरा में ये सब कुछ स्वाभाविक नहीं लगता है, वो एक प्लानिंग के तहत लगता है। और यही कारण है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने वहाँ पर ज़्यादा जोर दिया है और वहाँ के लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हो सकता है कि वो पेपर लीक में शामिल ना हो लेकिन सेटिंग में शामिल हो, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर कहाँ से वायरल हुआ, ये अभी सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के लिए। और आपको बता दें कि इसमें बड़े बड़े अपराधियों की भी मिली भगत हो सकती है, और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है इस पर उनका कहना है कि हम जो भी है उसे पकड़कर सामने लाएंगे। इन सब के बीच में आपको बता दें कि परीक्षा में लगभग जो कैंसिल हुआ परीक्षा, उसके शुरू होने में 2-3 महीने की देरी हो सकती है, क्योंकि
बीपीएससी को फिर से नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्वेश्चनों को तैयार करना पड़ेगा, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट और जहाँ जहाँ परीक्षा कराना है उन सभी जगहों का व्यवस्था करना पड़ेगा। बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट हैं तो फिर से नई तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको बताएं कि जुलाई में बिहार में बरसात का भी सीजन शुरू हो जाता है और ऐसे में उत्तर बिहार के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनका दूसरे ज़िले से संपर्क खत्म हो जाता है, तो ऐसे में बरसात भी परेशानी बन सकती है। जो भी गुनहगार हैं वो पकड़े जाएं, हमारी यही कोशिश रहेगी। और हमने भी खबर इसलिए उस दिन चलाया कि 66वीं में भी आरोप लगे कि क्वेश्चन वायरल हुए थे लेकिन उसको उजागर नहीं किया जा सका, लेकिन 67वीं में सतर्कता पहले से थी, हम लोग भी पहले से तैयार थे कि अगर क्वेश्चन वायरल होता है तो उसकी हम पुष्टि जरूर करेंगे, छात्रों से ही करेंगे, और हमने किया भी। हमें प्रश्न पत्र भेजा गया दिलीप के द्वारा 12:45 में, हमने उसे चलाया, 12:15 में हमने 12:15 12:30 के आसपास हमने वीडियो को रिलीज किया और 2 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पर मैं खुद पहुंचा था और वहां पर एक एक छात्रों को मैंने दिखाया मोबाइल पर अपने कि क्या यही प्रश्न थे, और उन्होंने पुष्टि भी की कि हाँ यही प्रश्न थे। तो मैंने उसी समय कह दिया था कि क्वेश्चन वायरल हुआ है, इतिहास में पहली बार बीपीएससी या प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले वायरल हो चुका है और उसकी पुष्टि भी हुई और जांच भी चल रहा है, और आशा मैं करूंगा कि जो भी गुनहगार हैं वो पकड़े जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी इस तरह की सेटिंग के बारे में कोई सोच भी न सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NVC24 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।